हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रैक एग्ज़ाम। सो आज हम लोग डाइस की थ्री डाइस प्रॉब्लम करेंगे, जिस हमने लास्ट वीडियो में टू डाइस प्रॉब्लम किया था और उससे लास्ट में हमने कॉइन की प्रॉब्लम की थी। तो आज हम ये थ्री डाइस की प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थ्री डाइस प्रॉब्लम में ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने टू डाइस प्रॉब्लम की थी। तो इसमें हमारा जो मिनिमम सम आएगा, जब हम तीन डाइस एक साथ फेंकेंगे तो थ्री आएगा मिनिमम सम, कि एक डाइस पर भी वन आए, दूसरे पर भी वन आए और तीसरे भी वन आए। और मैक्सिमम सम जो आएगा वो 18 आएगा, कि एक पे भी सिक्स आए, दूसरे पे भी सिक्स आए और तीसरे पे भी सिक्स आए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है टोटल आउटकम आने का वो है 6n। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ डाइस तीन है तो n हमारा 3 आएगा, तो 6 का क्यूब आएगा हमारा टोटल आउटकम, जिसको जो होता है हमारा 216। तो सिमिलरली इसी तरह प्रोबेबिलिटी की जो नोटेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि एंड जो होता है ये मल्टीप्लाई के बराबर होता है और जो होता है ये प्लस के बराबर होता है, तो ये नोटेशन हम आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से आपको जो आएगा सम आएगा वो 3 से लेकिन 18 तक आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन टू 18। तो सेंटर वाले जो नंबर हैं इसमें आपको इन पे ध्यान देना है, 10 एंड 11, ये आपके सेंटर नंबर हैं। तो यही नंबर जो है ये आपको हेल्प करेंगे इस ट्रिक को समझने में। तो ट्रिक में क्या है, ये आपका जो सेंटर नंबर हैं ये आपके, जिस तरह हमारे जो ट्रायंगल में टॉप पे 7 रहता था, इसी तरह ये हमारे टॉप पे ये 10 और 11 रहेंगे और बाकी नंबर उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में रहेंगे। अब आपको बस इस फिगर को अच्छे से समझना है। अगर आप ये फिगर समझ गए ना तो आप ये थ्री डाइस की जो प्रॉब्लम है ये आसानी से कर लेंगे। ये थ्री डाइस की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन में आती हैं, चाहे वो RBI का एग्ज़ाम हो या फिर जो आपके जो एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम होते हैं टफ टफ कॉम्पिटिशन के, जैसे UPSC CSAT का या फिर जो गेट के, तो हमें बहुत आता है गेट के एग्ज़ाम में जो थ्री डाइस की प्रॉब्लम है, या और जो कैट का एग्जाम होता है MBA के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं थ्री डाइस की प्रॉब्लम के लिए। तो आपको बस इस डायग्राम को समझना है अच्छे से। देखो टॉप पे हमारा 10 और 11 आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे वो नंबर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले हमारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे लेफ्ट साइड पे आएंगे और हमारे 12, 13, 14, 15, 16 ये हमारे राइट साइड पे आएंगे। ठीक है, अब आपको इसमें ये समझना है कि जो बाहर वाले नंबर हैं ये हमारा सम है और अंदर वाले नंबर जो हैं ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। अंदर वाले नंबर जैसे हमारे लेफ्ट साइड पे 1, 3, 6, 10, 15, 21, 25 और 27 ये हमारे ऑर्डर में जैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और फिर उस और जो राइट साइड पे इनका उल्टा करना है, 20 से उस जो हमारा ये जिस तरह से ऊपर गए हैं उसी तरह से उसके एग्जैक्टली उल्टे में उसको नीचे लाना है। ठीक है, अगर आपको ये नंबर अंदर वाले याद रहें तो ठीक, नहीं तो आगे मैंने इनके लिखा है छोटी वर्ड्स में प्लस, जैसे 1+2 है, इसी तरह इसको 2, 3, 4, 5, 6 और तक ले जाना है। तो 1+2 हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3+3 6 आ जाएगा, 6+4 10 आ जाएगा, 10+5 15, 15+6 21, और फिर इसको आगे आपको याद रखना है कि इसको फिर 6 के बाद इसको 4 और 2 कर देना है। तो इस तरह से आपके 21+4 25 आएगा और 25+2 27 आएगा। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये बिल्कुल कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये जो फिगर है ये समझ आ जानी चाहिए। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, तो जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो पहला जो हमें क्वेश्चन है उसमें हमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 11 जब हम तीन डाइस फेंकेंगे, मतलब अगर आप तीन डाइस फेंकेंगे एक साथ तो 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। नॉर्मली अगर आप करते तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा कि एक नंबर पर या तो आएगा 5, 2 पे 5, 3 पे 1, या फिर एक पे 4 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 3 आएगा, वैसे नहीं करना है, हमें ट्रिक से करना है इसको। तो समझिए हमें सम चाहिए कितना, 11। अब हम जाएंगे अपनी उस फिगर में और देखेंगे जो 11 आ रहा है उसके अंदर जो कौन सा हमारा नंबर आ रहा है, जो 11 के अंदर जो आ रहा होगा वही हमारी होगी प्रोबेबिलिटी। तो हमारा जो अब देखिए फिगर में हमें 11 के अंदर 27 आ रहा है, तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम है वो 27 है और जो हमारी टोटल आउटकम है वो हमारा है 216। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11 की सम इक्वल टू 11 क्यों आएगी, 27/216। तो देखिए कितनी जल्दी कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 14 इफ़ 3 डाइस आर रोल्ड, अगर हम 3 डाइस एक साथ फेंकेंगे तो हमें 14 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। चलते हैं फिर से फिगर में और फिगर में देखते हैं कि जो हमारी जो सम 14 है उसके अंदर हमें कौन सा नंबर आ रहा है, जो नंबर हमें उस फिगर के अंदर आ रहा होगा 14 के कॉरस्पॉन्डिंग वही हमारा होगा फेवरेबल आउटकम। तो हमारा 14 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 15, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो है 15। तो इसलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इधर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल बाय टोटल, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आएगी 15/216। तो इस तरह से देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन की आसानी से कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, अब देखिए इसमें हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड, मतलब तीनों डाइस जब एक साथ फेंकेंगे तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है कि हमारा जो टोटल आउटकम है वो है 216। अब आपको पता है कि अगर एक डाइस पे 6 नहीं आएगा, मतलब डाइस पे टोटल नंबर 6 होते हैं, तो अगर एक नंबर जो 6 है वो नहीं आएगा तो बाकी कितने नंबर बचेंगे, 5, उनमें से कोई एक आएगा। तो हमारे सिंगल डाइस की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑफ नॉट गेटिंग 6 वो आ जाएगी 5/216। तो इसलिए हमारे तीन डाइस हैं
तो हमारी इनका आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें एंड वाला जो हमारी नोटेशन है वो यूज़ होगी। तो 5/216 × 5/216 × 5/216 तीनों डाइस के लिए, तो टोटल जो प्रॉबर्टी मारी जाएगी वो आएगी 125/216। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है इसमें हमारी और मतलब प्लस वाला हमारा जो नोटेशन लगी वो लगी इसमें। ये पूछ रहा है कि इसमें हमारी फिगर यूज़ होगी, इसमें पूछ रहा है कि प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग सम 9 और 11, या तो 9 आए या तो 11 आए, या मीन्स और। तो अब इसमें हमें क्या करना है, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के अंदर देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है। जो नंबर हमारे 9 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है वो हमारी 9 के लिए फेवरेबल आउटकम होगा। तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 25, और 11 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है 27। तो इस तरह से जो हमारी 9 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो जाएगी 25/216, और 11 की कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 27/216। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 52/216। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इस ट्रिक की मदद से जो थ्री डाइस की जो प्रॉब्लम्स थी, जो काफ़ी हाई लेवल की कॉम्पिटिशन में आती हैं, तो आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।